स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म बच्चों, हमने आपको इसके पहले पढ़ाया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है, कि जब भी किसी कंडक्टर में हमने करंट चलाई थी तो आपने देखा था कि उस कंडक्टर के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और वो हमें कैसे पता चलता है कि इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड हुई है या नहीं हुई। हम उसके नीचे एक मैग्नेट रखते हैं, जैसे कंपास बॉक्स रखते हैं, और जब हमने करंट पास की थी तो आपने देखा था कि वो कंपास बॉक्स में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, और जब हम करंट को ऑफ करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इससे साबित होता है कि वेन एवर ए करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो हमने पढ़ाया था आपको अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म है क्या, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा कि मैग्नेटिज्म जो है जी, आपने देखा होगा कि इसकी आपने कुछ स्टोरी सुनी होगी। 600 बीसी में थेल्स ने देखा था एक मैग्नीशिया जगह का नाम है ग्रीस में। तो थेल्स नाम का आदमी था जिसने ग्रीस में जगह है मैग्नीशिया, उसमें देखा कि अर्थ के अंदर एक ओर है, मतलब कि आयरन ओर है एक अर्थ के अंदर, जिसका वो क्या कर रही थी, वो जो ओर थी आयरन की ओर थी, वो क्या करती थी, वो अट्रैक्ट करती थी आयरन के पीसीस को वार्ड को, निकल को, स्टील को। तो ये इसने ऑब्जर्व किया थेल्स ने, मैग्नीशिया एक जगह का नाम है ग्रीस में है, वो उसने ऑब्जर्व किया कि अर्थ के अंदर एक ओर है, अर्थ की एक ओर होती है जो क्या कर रही थी, वो लोहे के पीसेस को, कोबाल्ट के पीसेस को, आयरन के पीसेस को, निकल के पीसेस को क्या करते अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और ये जो क्योंकि ओर जो थी वो मैग्नीशिया से मिली है, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है मैग्नीटाइट रख दिया, नाम मैग्नीटाइट इस ओर का नाम रख दिया। और इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है Fe2O3। और ये जो इसकी मैग्नीटाइट या जो आयरन ओर की प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो बाकी लोहे के पीसेस को, कोबाल्ट के, निकल के पीसेस को अपने तरफ खींचती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक आयरन ओर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म आपको समझ आ चुका होगा कि वो प्रॉपर्टी मैग्नेटाइट की जिसके कारण वो बाकी चीजों को अपने तरफ खींचती है, और इसका फार्मूला जो था वो Fe2O3 था। तो ये आपने पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन करा रखी है कि ये कहां पर देखा गया और क्या था। और आपने देखा कि थेल्स ने ग्रीस में देखा कि ये जो आयरन की ओर है ये अपने तरफ अट्रैक्ट करती है बाकी चीजों को, और इसको हम बोलते हैं कि ये मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर, कि मैग्नेट जो है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। फिर बाद में चाइनीज ने देखा कि ये जो आयरन की ओर है, अगर हम इसको सस्पेंड कर दें, जैसे आप इसको हवा में सस्पेंड कर दो, ऐसे किसी, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मैग्नेटाइट है, मतलब कि आयरन की ओर है जो बाकी चीजों को खींच रही है, अगर इसको मैं यहां से धागा बांधकर ऐसे हवा में सस्पेंड कर दूं, तो इसको जोर से मैं रोटेट करूं, तो आप देखोगे कि ये हमेशा कहां पर स्टे करेगी, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल जो होगा वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ जाकर सस्पेंड करेगी। मतलब व्हेनेवर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटाइट और
सस्पेंडेड फ्रीली देन इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ की तरफ सस्पेंड हो जाएगा और उसी तरफ खड़ा रहेगा। आप जितने बार मर्जी रोटेट करो जो वापस इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहेगी। इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये चाइनीज ने प्रॉपर्टी इसकी डिस्कवर की और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो अभी आपने सीखा कि ये जो मैग्नेटाइट ओर है इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो आपने अभी तक सीखा कि मैग्नेट हैज टू प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन वाली और दूसरी डायरेक्शन वाली। डायरेक्शन मतलब इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बच्चों ये हमें समझ आ चुका है। अब जहां में देखिए कि ये जो मैग्नेटाइट ओर है जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, ये एक्चुअली जो अर्थ से निकलता है इसकी कोई रफ शेप होती है, इसकी जो शेप होती है वो रफ होती है। रफ का मतलब इरेगुलर शेप होती है, जो क्या पता हमारे किसी काम की ना हो और इरेगुलर शेप होती है। इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो मैग्नेटिक पावर एक फिक्स होती है, मतलब हम उसको अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो बच्चों इस तरह के जो मैग्नेट होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, ये कुदरत की तरफ से बने हुए नेचुरल मैग्नेट्स। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, मतलब इसकी शेप जैसी, जैसा आपको जमीन से जैसे पत्थर निकल गया कोई, इस तरीके की उसकी शेप होगी, उसकी मैग्नेटिक पावर भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते। तो इस तरीके की इसकी जो प्रॉपर्टीज आपने याद रखी। अब जो यहां पर देखिए तो लेकिन हमें जैसे आप देखिए ये जो मैग्नेट्स होते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे काम के जो मैग्नेट्स होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम ऐसा मैग्नेट्स बनाएं जिनकी पावर शेप हम अपनी मर्जी से बना सकें, तो उनको बच्चों बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा घर में कभी आपने पुराना स्पीकर आपने खोल के देखा होगा, वो गोल सा जो स्पीकर के पीछे लगा होता है मैग्नेट, वो आर्टिफिशियल है, वो जमीन से नहीं निकलेगा, वो रिंग शेप का, हार शू शेप का, जैसे गैल्वेनोमीटर में आपने लगाया था, वो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। उसकी पावर ज्यादा करनी है कम करनी है वो हमारे पास हो। जैसे आप देखिए कि आप एटीएम कार्ड डालते हो तो एटीएम कार्ड के अंदर जो लगा हुआ है वो बीच में चिप लगी होती है वो मैग्नेटिक होती है। इसी तरह वीसीआर होगी आपके, काफी जगह आप देखोगे कि आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं, ये सब इनके अंदर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमें बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं यहां पर, हमें अपनी डिफरेंट शेप्स, हमें जो जो नेचुरल शेप्स है वो नहीं चाहिए होती, हमें अपनी मर्जी से उसकी शेप बनानी होती है, अपनी मर्जी से उसकी स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों तो इनमें से आपने देखा होगा कि सबसे इसको हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसको हम जो बोलते थे हम इसको हम आपने बुक्स में पढ़ोगे इसको लोड स्टोन भी बोलते हैं। लोड स्टोन का मतलब होता है कि लीडिंग, लीडिंग स्टोन, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता था कि आप किस तरफ डायरेक्शन। जैसे देखो आपको पता है कि अर्थ भी हमारी एक मैग्नेट है, हम जेल में पड़ेंगे। और पहले पहले जो था कि हम जब हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं थी तो हम क्या करते थे कि जैसे हम निकलना चाहते थे नॉर्थ में तो थोड़ा सा आगे पीछे निकल जाते, जैसे मान लो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं निकलते थे, क्योंकि अब हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि अर्थ के नीचे भी एक मैग्नेट है, उसकी वजह से हम कहीं अलग डायरेक्शन में भटक जाते थे। तो जब से हमें मैग्नेट की डिस्कवरी हुई है, जैसे हमारे पास जो मैग्नेट की कंपास बनी हुई है, कंपास के जरिए आप कहीं अगर जैसे आर्मी में हमें देखा होगा आप रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और कंपास की मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे सुनार्स होते हैं समुन्द्र में, देखिए वहां हमें कंपास की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन में निकलते हैं। तो ये मैग्नेट की बहुत एप्लीकेशंस हैं, मतलब आप ऐसे सोचिए कि आप मैग्नेट्स काफी नेविगेशन में जितनी भी होती है सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर मैग्नेट्स की काफी एप्लीकेशंस हैं। तो चलो बच्चों अब हम सिंपल मैग्नेट्स पहले हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं और वो आप पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा लैब में कि सबसे जो सिंपल मैग्नेट्स है जिसकी आपने शेप ही देखी होगी, रेड कलर का होता है वो, उसका हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो
ये आपने देखा होगा, ये ऐसे रेड रेड कलर का आपने देखा होगा, लैम है 6, 7, 8, 9, 10 में लैम होता है, ऐसे लाल कलर का होता है, इधर लिखा होता है एंड इधर लिखा होता है, तो इसको बार मैपिंग बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसको हम बार मैपिंग बोलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं बार मैग्नेट्स की। तो बच्चों सबसे पहले आप इसकी जो प्रॉपर्टीज, नंबर वन आप ध्यान दीजिए कि अगर ये मैग्नेट है तो नेचुरली, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हम बोल, इसको डिस्टेंस होता है 2L, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर भी बच्चों वही है कि यहां पर मैग्नेट है, जैसे हम यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ते हैं, यहां पर हम मान लो पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज हम साउथ पोल को बोलते हैं, और इनके बीच में भी डिस्टेंस हम 2L ही लेते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हो, और यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के भी दो पोल है, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपने याद रखना कि हर एक मैग्नेट जो है वो डाइपोल होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट डाइपोल मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, जितनी नॉर्थ पोल की पावर है उतनी ही साउथ पोल की पावर होती है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनकी स्ट्रेंथ सेम रहती है और इनके बीच में डिस्टेंस होता है 2L। जैसे यहां पर एक चार्ज है क्यू और माइनस क्यू, यहां पर हम लिखेंगे नॉर्थ पोल, पोल की स्ट्रेंथ, मान नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है एम और साउथ पोल की स्ट्रेंथ है स्मॉल, तो इनकी स्ट्रेंथ जैसे यहां पर क्यू लिखते हैं, यहां पर हम एम लिखेंगे, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ एम और साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी एम, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं स्ट्रेंथ। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल में सबसे, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हम बच्चों एम से डिनोट करते हैं। और जैसे यहां पर आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है किसके बराबर, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्यू इंटू 2L, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, तो यहां पर आएगा क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल है और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 2L। याद रखिए जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है ऐसे, तो यहां पर भी जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। ये आपको काम आएंगी चीजें, ये आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। और आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिंगल चार्ज होता है, सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट सिंगल नॉर्थ पोल एंड सिंगल साउथ पोल नेवर एग्जिस्ट। आप जब भी आप मैग्नेट पढ़ोगे आपको हमेशा उसके अंदर दो पोल होंगे, ऐसा कोई दुनिया में मैग्नेट नहीं होगा या जिसमें एक ही पोल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल नॉर्थ पोल डज नॉट एग्जिस्ट, के ऊपर कभी भी डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम। तो ये बच्चों आप याद रखिए, और आप देखिए कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जिसे हम लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर। ये आपको याद रखना है, इसका जो यूनिट है एम का वो होता है एम्पियर मीटर। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा, इसका आ गया एम्पियर मीटर, और लेंथ का भी मीटर तो बन जाएगा एम्पियर मीटर। कई बार इस तरह के यूनिट छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले आपने चीज क्या सीखी कि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आ गया, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट का आ गया, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। ये अभी आपने छोटी सी चीज सीखी। अब दूसरा देखिए कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर मैं सस्पेंड करूं, बार मैग्नेट को अगर मैं सस्पेंड करूं, जैसे मान लो यहां पर
इसको एक फ्रीली सस्पेंड कर दूं ऐसे ऐसे, तो ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन, अगर मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो ये कहां पर स्टे करेगा, जिस तरफ अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ होगा उसी तरफ नॉर्थ पोल चला जाएगा, और जिस तरफ जियोग्राफिक साउथ होगा उस तरफ ये साउथ पोल इसका चला जाएगा। ये आपको याद रखना, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसका नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट कभी नहीं होंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि अर्थ की मैग्नेटिज्म है, लेकिन अभी आप सिर्फ इंडिकेशन याद रखे कि अप्रॉक्सीमेटली इसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो हम आगे डिटेल में आपको समझाएंगे, अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रखे कि व्हेन एवर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट देन इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है अभी तक। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और आप देखिए यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी आप यहां पर नोट कीजिए कि ये जो मैग्नेट होता है, मान लो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, मैं इसको यहां पर रख दूं ऐसे, ये इसका नॉर्थ पोल है ये इसका साउथ पोल है, तो आप देखोगे कि ये अट्रैक्ट तो करेगा, ये यहां से भी अट्रैक्ट करेगा यहां से भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन की मैक्सिमम पावर होगी तो वो यहां पर होगी पोल, इनको बोलते हैं पोल्स, इसको बोलते हैं पोल्स। तो आपको बोला जाए कि मैग्नेट की सबसे ज्यादा खींचने की पावर कहां पर होती है, तो आपने बोला है पोल्स में, इधर होती है मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो आप देखोगे कि यहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप देखिए कि एक बार मैग्नेट को, जैसे ये आपके पास की बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, आप क्या करो इसको क्या कीजिए, किसी आयरन के पीसीस छोटे छोटे जिसको बोलते हैं आयरन डस्ट, जैसे मिट्टी होती है इस तरह आयरन की डस्ट मिलती है, तो आप इस मैग्नेट को क्या कीजिए उसके बीच में रखिए, जब आप उठाओगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा आयरन के पीसीस जो है इसके यहां पर एंड्स पे चिपके होंगे, यहां पर काम होंगे, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि जो मैग्नेट की खींचने की पावर है वो हमेशा एंड्स में मतलब पोल्स पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। ये आप देखिए यहां पर, अब देखिए बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज की देखते हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास ये दो पोल्स हैं, मान लो एक की पोल स्ट्रेंथ एम वन है दूसरे की पोल स्ट्रेंथ एम, जैसे कूलम से आपने पढ़ा था, तो यहां पर भी आएगा ये, तो मान लो जो इनके बीच में डिस्टेंस अगर कोई डी है, तो अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल है तो ये रिपेल करेंगे, अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल है तो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कूलम से लाभ में हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहां पर हम बोलेंगे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, और जिस फोर्स से ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे उस फोर्स को हम बोलते हैं वो निकालते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म आता है इसका, यहां पर कांस्टेंट आता है न्यू 0.4 पाई, बाकी फार्मूला एम वन एम टू बाई बी स्क्वायर। और आपको मैं याद करा दूं कि कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, एक चार्ज क्यू वन था एक चार्ज क्यू टू था, उनमें डिस्टेंस डी था, रो फोर्स का फार्मूला था 1/4 πε0 क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका सेम है, सिर्फ इधर चार्जेस आते हैं इधर फोर्स आते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज जाती है, इधर हम परमिटिविटी बोलते हैं और इधर हम बोलते हैं परमिएबिलिटी आपको याद रखना, ये परमिएबिलिटी का कंसेप्ट आपका यहां पर, तो ये आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा इसको न्यू 0.4 πε को याद रखिए, इस कांस्टेंट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अब ये इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो ये क्या लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वही है सेम केस, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए यहां पर कई बार आपको आपको यहां पर न्यूमेरिकल के लिए हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक चार्ज है क्यू, तो यहां पर जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस आर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहां पर मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है एम, तो मुझे यह निकालना है कि इसकी इसकी वजह से यहां पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मान लो यहां पर इस पोल से यहां का डिस्टेंस वही आर लेता हूं, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लिया था कि पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी फोर्स पर यूनिट पोल, जैसे यहां पर यूनिट चार्ज था, यहां पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ आएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए इसकी एम है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो बी की वैल्यू आएगी वो आप क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू ये पुट कीजिए, तो यहां से एक एम कट जाएगा, तो बाकी आपका बचेगा म्यू जीरो अपॉन फोर बाई एम अपॉन डी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एम मतलब इसका, जैसे पर यूनिट हो गया, दूसरा दूसरे पोल का आपने खत्म कर देना है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें कि अब यहां पर एक और नोट कीजिए पॉइंट, यहां पर ये नॉर्थ पोल है, तो यहां पर ये जो पोल रखना आपको, जैसे यहां पर हम हमेशा टेस्ट चार्ज रखते थे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यहां पर हमें रखना है कि हमेशा पॉजिटिव पोल रखना है, पॉजिटिव। अब अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल इस पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका मतलब है कि इस बी की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू नॉर्थ पोल वो अवे फ्रॉम दी होगी, ऐसे ये इस तरह बी की डायरेक्शन। और अगर मान लो यहां पर साउथ पोल हुआ, तो आपको बोला जाता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ड्यू टू साउथ पोल, तो वो बच्चों आपका आंसर तो यही आएगा न्यू जीरो पॉइंट फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वायर, एम मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्यों, ये तो यूनिट हो जाएगा, लेकिन यहां पर रखना वही है प्लस एम, तो ये एम क्या करेगा, साउथ पोल को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज साउथ पोल क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, इसलिए यहां पर जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। तो ये आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, सेम केस है जैसे यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते थे, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती थी, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज लेते थे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होती थी। यहां पर आपने याद रखना कि अगर नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगी, और अगर यहां पर साउथ पोल हुआ, साउथ पोल की मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द साउथ पोल होगी। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, क्योंकि हम कुछ डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको ये काम आएंगी चीजें। अब बच्चो ये आप थोड़ा सा कूलम सवाल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें यहां पर डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमें कुछ डेरिवेशन करनी है, वहां पर यूज होंगी चीजें, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप ये चीजें। चलो अब बच्चों यहां पर एक और चीज नोट कीजिए, जब भी कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, आपको बोलता है यहां से इसको काट दिया मैंने, काटने के बाद अगर इसके दो पीस हो जाएंगे तो क्या यहां पर नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएंगे, तो आपने बोला नो, मैंने आपको क्या बताया कि आप मैग्नेट को जितने मर्जी पीस कीजिए, चाहे इतने हजारों पीस कीजिए, हर पीस में आपको नॉर्थ साउथ आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको याद रखना ये प्रॉपर्टी। और अगर हम बच्चों इस मैग्नेट को हीट करें या बीट करें, जोर जोर से इसको जमीन पे पटके इस बार मैग्नेट को, या इसको गर्म करें, तो इसकी जो पावर है, मैग्नेटिक पावर जो होती है, इस मैग्नेटिक पावर डिक्रीज, ये आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक पावर घट जाएगी
अगर हम किसी मैग्नेट को हीट या बीट करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आपको मैग्नेट का एक याद रखना कि मैग्नेट वो होता है जिसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और उसका अगर नॉर्थ साउथ पोल है तो इसका मतलब कि उसका डाइपोल मोमेंट होगा, वो आपको आना चाहिए डाइपोल मोमेंट निकालना। फिर अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, वो कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में बताता है, वो थोड़ा सा आइडिया रखिए। अगर आपको एक नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ जाती है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो वो भी आपको मैंने सिखा दिया कैसे निकालना है। अब जो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है मान लीजिए, और इनके बीच में जो लेंथ है वो मान लीजिए 2L है और इनकी पोल स्ट्रेंथ M है, तो इनका डायपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा एम इंटू 2L। ठीक, अब वो बोलता है कि आप एक इस मैग्नेट को यहां से ऐसे काटिए, मतलब लेंथ वाइज इसको काट दो, तो या से ये मान इसके दो टुकड़े बन गए, ये और ये ऐसे लेंथ वाइज इसको काटोगे अगर, तो अब वो बोलता है कि आप बताओ कि इस मैग्नेट और इस मैग्नेट का जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा अगर इसको हम अलॉन्ग द लेंथ काटें। तो बच्चों याद रखना, अगर हम अलॉन्ग द लेंथ काटेंगे तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होंगे वो आधे हो जाएंगे, मतलब इनकी जो पोल की पावर होगी, पोल की स्ट्रेंथ की, वो हाफ हो जाएगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल मैग्नेट से। लेकिन लेंथ तो आपकी सेम रहेगी, लेंथ तो आपकी 2L की 2L है, क्योंकि लेंथ तो आपकी सेम रही है। तो अब आप देखिए इनका डायपोल मोमेंट अगर मैं निकालूं तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। अब इसकी इधर पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M by 2 पोल स्ट्रेंथ मल्टीपल लेंथ, ये मतलब न्यू लेता हूं। अब देखिए एम इंटू पोल स्ट्रेंथ, ये तो आ गया ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, ये M इंटू 2L वो आ गया M के बराबर, तो 2 मतलब हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो हम अगर हम मैग्नेट को ऐसे काटेंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए। अब कई बार आपको पूछते हैं कि नहीं इस मैग्नेट को ऐसे नहीं ऐसे काटो वर्टिकल, तो चलो हम इसको ऐसे काट के देखते हैं। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, इसको मैं ऐसे काटूंगा ऐसे, जब मैं ऐसे काटूंगा तो नेचुरली क्या होगा कि इसकी पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेंगे लेकिन लेंथ हाफ हो जाएगी। जब लेंथ हाफ हो जाएगी तो नया मैग्नेट आएगा, एम पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा लेकिन लेंथ हो जाएगी 2L डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा ये। चलो आप ऐसे काटो नहीं, अभी देखिए ऐसे रखते हैं 2L। अब देखो एम इंटू 2L हो गया ओरिजिनल, तो ऐसे और देखिए इस केस में क्या हुआ कि पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम रही लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट फिर भी हाफ हो गया। इस केस में क्या हुआ कि पोल स्ट्रेंथ की पावर भी आधी होगी और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी आधी होगी। ये आपको याद रखना है, ये क्यों करवा रहा हूं, कई बार कई क्वेश्चन पूछते हैं आपको इसके ऊपर, तो अब हम समझ लेते हैं जो भी क्वेश्चन करते हैं इनको कि कैसे आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपने उसने पूछा होगा एग्जाम में, उसने बोला कि ये एक मैग्नेट है और ये क्रॉस करके उसने दूसरा मैग्नेट ऐसे क्रॉस करके दे दिया ऐसे, और ये इनके बताया कि साउथ साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो आपको पूछता है कि इनका मैग्नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, मतलब इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एम इंटू 2L होता है और उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली इधर आ गया एम वन, इसका मैं नाम ले लेता हूं। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट आएगी इस तरफ एम टू हो गया। तो बच्चों ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब आपको पता है कि दो वेक्टर देखिए यहां पर M1 और M2 देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास पैरेललोग्राम ला लगाना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ पैरेललोग्राम की अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2
क्लास ऑफ इधर थीटा 90 है तो आपने 90 ले लेना है दोनों के बीच में एंगल M1 और M2 के बीच में। अगर कुछ और होता 60-30 होता तो वो भी ले सकते थे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। चलो आपको प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो उसने बोला कि ये एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर ऐसे रखा है, ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो बच्चों आप देखिए ये साउथ नॉर्थ है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही आएगा M1, ये भी साउथ नॉर्थ है तो इसका मैग्नेट भी इधर आएगा M2। अब देखिए यहां पर ये दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके बीच में एंगल जब 0 डिग्री बनेगा। जब यहां पर आप इसी फार्मूले में जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे इनका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सीधा आ जाएगा M1 + M2 सीधा आंसर। अब एक और प्रॉब्लम उसने दी हुई है कि मान उसने बोला कि एक मैग्नेट आपका ये है साउथ नॉर्थ और दूसरा एक मैग्नेट है ऐसे साउथ नॉर्थ में, तो अब यहां साउथ नॉर्थ है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, ये साउथ नॉर्थ उल्टा कर दिया इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। अब यहां पर ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट आपके दोनों वेक्टर अपोजिट हो चुके हैं, अपोजिट जब होते हैं तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो होगा तो माइनस ही, लेकिन आप डिपेंड करता है कि अगर सेम बड़ा किसका है छोटा किसका है। तो अगर मान लो M1 - M2 लिखते हो तो इसका मतलब है कि इफ अगर M1 - M2 से अगर इसका मैग्नेट M1 - M2 से बड़ा है तो हमें M1 - M2 कर देना है, अगर M2 - M1 से बड़ा है तो फिर M2 - M1 कर दो। इसमें कोई डायरेक्शन का ही आएगा फर्क, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, तो फिर आप समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बोलता है कि एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट उसने दिया है ऐसे, ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो बोलता है कि इसकी लेंथ जो है वो 2L दी है, पोल स्ट्रेंथ दे दी है इसने M, और उसने बोला इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M × 2L है, ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट M, मतलब कि ये बार मैग्नेट है। अब बोलता है कि इस बार मैग्नेट को उसने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल में इसी बार मैग्नेट को मोड़कर सेमी सर्कल बना दी, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया से इसी बार मैग्नेट का उसने सेमी सर्कल बना दिया, तो उसका डिस्टेंस रखा ये 2R है। तो बोलिए ना, तो अगर ये बार मैग्नेट सीधा है तो उसका मैग्नेट M है, तो अगर मैं क्या उसको मैं ऐसे जैसे मैंने शेप चेंज की उसकी जैसे आर्क बनाई मैंने, क्या इसका भी बार मैग्नेट इतना ही होगा या कुछ चेंज हो जाएगा। तो बच्चों आपको फार्मूला तो वही है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका भी अगर मैं निकालूंगा तो मैग्नेट इसके होता है पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है इसकी, पोल स्ट्रेंथ मल्टीपल दोनों के बीच में डिस्टेंस, इधर दोनों के बीच में डिस्टेंस 2R सिंपली। लेकिन अगर मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो मुझे इस फॉर्मूले को L के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आप देखिए कि ये है मेरी एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है 2R। ऐसे अगर पूरा सर्कल होता है पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2R, तो आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2R। तो कहने का मतलब है कि जब इस लेंथ को 2L को मैंने आर्क बनाया तो मतलब बन गया 2L जो था वो सारी इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πR, तो इसकी जो हाफ की लेंथ बन जाएगी वो बन जाएगी πR। तो इसकी जो लेंथ है वो तो उतनी है ना जितनी इसकी है, तो इसकी लेंथ इसका मतलब इस सेमी सर्कल की πR लेंथ बराबर होगी 2L के बराबर। तो यहां से R आप निकाल सकते हो 2L / π, इधर से आपको बता दो M × 2 × R की जगह 2L / π। आप M × 2L M और 2L तो बन गया ना M के बराबर, ये बन जाएगा M, ये आगे साथ में साथ बचेगा 2/π, ये आएगा आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट।
2m upon pi आ जाएगा इसका। तो आप देखिएगा कि शेप चेंज करने से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, आप नोट कर लीजिए। और देखो ऐसे बच्चे आपके पास डिफरेंट किस्म के बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस की। तो आओ थोड़ा सा और देखें कि कुछ मैग्नेटिक लाइन्स के बारे में आपको पढ़ा देता हूं कि मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं जो मैग्नेट की लाइन्स होती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस साथ साथ चले देते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स के बीच में और इसमें क्या फर्क होता है, थोड़ा सा आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम कभी भी मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते। तो अब बच्चों इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी वी से घूम रहा है तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। ये आपने पढ़ा था लॉरेंट फोर्स। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स डालेगी वो पड़ेगी एफ इजिकल टू क्यू ई। तो सबसे पहले हम याद रखें कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, इसको मैं बोलूं एफ क्यू वी वी साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल में, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। केवल बच्चों आपको दो दो तीन तीन नंबर के इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दो दो आपके सामने सामने हो गए कि इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, पहली बात ये हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जब इस चार्ज के ऊपर पड़ती है तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, आपने पढ़ा था लॉरेंट फोर्स में। तो जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो वो चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चलेगा, वो या तो हेलिक्स में चलेगा या तो सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इनको हम कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते, क्योंकि जो फोर्स पड़ती है इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ती है वो उसी तरह पड़ती है जिस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स डालती है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में नहीं डालती, इसीलिए इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स बोलते हैं। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रख सकते हो। और देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर एंड हो जाता है ऐसे ऐसे, और ये कभी भी वापस नहीं आती, ऐसे क्लोज पाथ नहीं बनाती। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस आप देखोगे जैसे एक बार मैग्नेट हिंदी थी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप देखोगे कि नॉर्थ से लाइन निकलती है और साइड था मैग्नेट, ये नॉर्थ से साउथ चलती है,
ऐसे, और अंदर मैग्नेट के 100 से नॉर्थ चलेंगे। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक लाइन जो है वो हमेशा क्लोज पाथ बनाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाती। क्लोज पाथ मतलब जैसे नॉर्थ से साउथ गया फिर साउथ से नॉर्थ वापस आए, लेकिन ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं लाइंस आती, ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी। और देखिए आप देखो कहां कहां क्लोज एक बार मैग्नेट हो गया, अच्छा हमें एक वायर ले लीजिए, इस वायर में अगर करंट जा रही है आई, इसकी मैग्नेट लाइंस भी देखिए क्लोज होगी कैसे, वो राइट हैंड थंब रूल लगाइए कि अंगूठे की तरफ आप रखिए जिस तरफ करंट जा रही है, और राइट हैंड की फिंगर जिस तरफ काम होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो यहां से भी हमें साबित होता है कि ये मैग्नेट लाइन जो है वो क्लोज पाथ बनाती है, ये भी हमने सीखा था। और कहा हमने देखा था जैसे सॉलिनाइड, सॉलिनाइड देखिए सॉलिनाइड में आपने पढ़ा था जैसे ये सॉलिनाइड है सपोज कीजिए ऐसे, तो अगर मान लीजिए कि आपकी इमेज मान लो यहां से बैटरी लगाता हूं, ये बैटरी लगाई तो यहां से करंट जाती है ऐसे, ये करंट गई इधर से इधर, मतलब जो मुझे सामने से दिख रही है वो करंट जा रही है इधर इधर, ये वाली साइड होगी बैक साइड, ये होगी फ्रंट साइड, फ्रंट से मुझे दिख रहा है कि करंट है वो ऐसे जा रही है ऐसे, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी इसकी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल सॉलिनाइड का निकालना चाहूं तो राइट हैंड लीजिए जिस तरफ करंट चल रही है उसी तरफ अपनी फिंगर्स को काटेंगे, जैसे यहां करंट है इधर जा रही है ऊपर है ना ऐसे जा रही है, तो आप राइट हैंड लीजिए जिस तरफ करंट है उस तरफ इसको फोल्ड कीजिए, और थंब जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आप नॉर्थ पोल आएगा, मतलब यहां पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा और यहां पर आपका साउथ पोल बनेगा, तो वही साहब यहां से मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी साउथ में जाएंगी ऐसे, और अंदर से चलेंगी फिर साउथ से नॉर्थ, ये देखिए ये भी क्लोज पाथ बनाती है सॉलिनाइड के केस में, और सॉलिनाइड भी बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह बिल्कुल, देखिए ये देखो बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ये भी वही आ रहा है। एक आपने देखा था टोराइड, वो हमने पढ़ाया था आपको मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट में टोराइड, तो टोराइड में क्या था कि सॉलिनाइड को हम क्लोज कर लेते हैं, जैसे ये सॉलिनाइड था तो हमने इसको ऐसे क्लोज कर दिया ऐसे, यस इसकी जो मैग्नेटाइट है वो अंदर ही घूमती रहती है ऐसे अंदर क्लोज पाथ बनाती है ऐसा अंदर ही, तो ये भी देखिए क्लोज पाथ की अभी आपको प्रूफ हो जाएगा कि मैग्नेटाइट ऑलवेज क्लोज पाथ, इसका कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता, तो राइट में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था वो देख सकते हैं आप। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स में होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है तो अगर हम किसी पॉइंट के पर एक टेंजेंट ड्रा करते थे तो हमें वो टेंजेंट क्या करता था उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन्स की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालता था। सेम केस है अगर हम मैग्नेटिक लाइन्स में किसी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो भी टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक लाइन्स में कि इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटर, ये सिमिलरिटीज आ गई कि ये सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रिक लाइन्स और मैग्नेटिक लाइन्स में कुछ सिमिलरिटीज, जैसे ये देखो ये सिमिलरिटी है, आप देखिए मैंने बोला था कि एक पॉइंट के ऊपर हम एक भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि टू मैग्नेटिक लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब इस कॉमन पॉइंट के ऊपर हम दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रा कर सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपने ये दो सिमिलरिटी याद रखनी है कि ये दोनों सिमिलरिटी है इसकी कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स हो या मैग्नेटिक लाइन्स हो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा एक और पॉइंट था कि ये भी सिमिलर है आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स के साथ कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स का क्राउड ज्यादा होगा, मान लो कि आपका कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स यहां से ऐसे निकलती है ऐसे ऐसे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स पास पास है, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन दूर है, यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए E2 है, यहां पर E1 है, तो हमने पढ़ाया था आपको कि E1 ग्रेटर होता है E2 से, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स क्लोज होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की वैल्यू ज्यादा होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स दूर दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की वैल्यू कम होती है,
सेम मैग्नेटिक फील्ड में होता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है आपका, तो आप देखोगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो इस पोल से आप देखोगे कि पोल से मैग्नेट्स बिल्कुल पास पास होती है, और जब ये इधर आती है इधर खुल जाती है इधर से ऐसे। इसका मतलब कि यहां पर मैग्नेट पास होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, इसीलिए मैग्नेट्स के पोल्स के ऊपर आपकी मैग्नेटिक इंडस्ट्री की वैल्यू ज्यादा होती है। तो बच्चों आज इतने देखेंगे हम, तो ये आप अभी तक पढ़ लीजिए मैग्नेटिज्म क्या है और बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा तो इसके आगे हम चल पाएंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।